हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सोया बड़ी जो है न्यूट्रेला की जो बड़ी आती है सोया की, देखिए मैंने सोया चंक्स लिया है और इसके मैं कबाब बनाने जा रही हूँ। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आती है। और शाम के नाश्ते में हम इसे आराम से खा सकते हैं चाय के साथ, ये बहुत ही लाजवाब बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो देखिए मैंने सोया चंक्स बड़ी ले लिया है और दो प्याज को देखिए मैंने इस तरह काटा है, 6-7 हरी मिर्च है, अदरक 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 8-10 लहसुन की कलियां हैं। इसे मैं अभी फाइन एकदम फाइन चॉप कर लेना है चॉपर में हमें। और जो ये सोया चंक्स दिख रहा है इसमें हम गरम पानी डालेंगे। देखिए गरम पानी डाल के इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं कि बड़ी हमारी अच्छी तरह से फूल जाए। अब तब तक हम मसालों को फाइन चॉप कर लेते हैं। देखिए हमारे सभी सोया चंक्स जो हैं अच्छी तरह से फूल गए हैं। तो इसे हम अच्छी तरह से पानी में ऐसी तरह से अच्छी तरह से इसे हमें निचोड़ना है। निचोड़ के हम इसे मिक्सी की जार में इसका हम पीस लेंगे, इसका हम पेस्ट जैसा ही बना लेंगे। तो इसको हम निचोड़ लेते हैं, निचोड़ के इसको हम पीस के आपको हम दिखाते हैं कि कैसा बना है। ये देखिए इस तरह से हमें मिक्सी के जार में हमें पीस लेना है और हम बाउल में इस तरह से डालते जाएंगे। आपको हम इसी तरह से सभी को हम पीस के दिखाते हैं, सभी सोया चंक्स को। सभी सोया चंक्स को देखिए मैंने इस तरह से पीस लिया है मिक्सी के जार में डाल के। तो सबसे पहले अब हम इसमें 3 चम्मच मैदा डालेंगे, सूजी डालेंगे 3 चम्मच बराबर, या आप आरारोट ले लीजिए या चावल का पाउडर भी ले सकते हैं, चावल का आटा। और मैंने जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च को देखिए मैंने इस तरह से फाइन काट लिया है। जो प्याज मैंने रखे थे उसे भी मैंने फाइन काट लिया है। एक नींबू का रस, इसके जगह पर आप खटाई भी ले सकते हैं। 2 चम्मच धनिया पाउडर, छोटी चम्मच से 1 चम्मच लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। मैंने हरी मिर्च डाली है इसलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इससे कलर अच्छा आता है। 1 थोड़ी सी चाट मसाला, करीब 1 टेबल स्पून, इससे टेस्ट अच्छा आता है चाट मसाला से। अब सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे हाथ से, इसे हम हाथ से ही मिक्स करेंगे, चम्मच से उतनी अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगी इसलिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे, जैसा हम पसंद करते हैं नमक, अपने क्वांटिटी के हिसाब से ही हम नमक डालेंगे। और नमक डाल के भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, तो इसे अब हम कबाब का शेप दे देते हैं। इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी लेके इस तरह से हम थोड़ा इस तरह से हम चौड़ा कर देंगे, जिसे हम अंदर से अंदर तक ये अच्छी तरह से पक जाए। और हम इससे बना बना के रख लेते हैं एक प्लेट में। देखिए मैंने सभी कबाब को बना लिया है, अब चलते हैं इसे तलने के प्रोसेस में। तेल हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें हम धीरे धीरे मीडियम फ्लेम में हम कबाब को तलेंगे कि अंदर से तक एक बिल्कुल सीख जाए। ये देखिए इसको हम अच्छी तरह से सेक लेते हैं। इसे धीरे धीरे हम पलट लेंगे, देखिए अच्छा कलर आ चुका है। और हम इसे अच्छी तरह से सिकने देंगे मीडियम फ्लेम में, इसे हम इस तरह से, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।
और इसमें प्रोटीन भी बहुत मात्रा में पाई जाती है सोया चंक्स में। ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद रेसिपी है, आप इसे ज़रूर खाएं। और स्वाद में तो ये लाजवाब होता ही है, सेहत से भरपूर और स्वाद में लाजवाब। अब हम इसे एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे, एक एक करके सभी को। देखिए मैंने सभी कबाबों को तल के रख लिया है। देखिए सोया कबाब बनके तैयार है और ये कबाब बहुत ही अच्छे बने हैं। देखिए आप नॉनवेज खाना भूल जाएंगे कबाब में। देखिए इतनी अच्छी बनी है कबाब, एक एक रेशा जैसे चिकन कबाब का होता है उस तरह से एक एक रेशा दिख रहा है। तो एक कबाब का एंजॉय करिए और मेरे वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।